नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो वायु को जहरीला कर रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जनपद में वायु प्रदूषण करने वालों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनपद में वायु प्रदूषण 350 के पार पहुँच गया है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश है कि बिना मानकों के निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लग सके। इसके बावजूद भी जनपद के खुर्जा नगर क्षेत्र में एक, दो या तीन जगह नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ कहीं मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो वही खुर्जा विकास प्राधिकरण के नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी भी बनाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन इमारतों पर प्रदूषण रोकने के लिए ना तो ग्रीन कवर है और ना ही मजदूरों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, जिन्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों के आदेश केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर खुर्जा विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सर, खुर्जा नगर में कई जगह ऐसा निर्माण हो रहा है जहां मानकों को अनदेखा किया जा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी भी कई जगह निर्माण है जहां बिना नक्शे के अवैध कॉलोनियां बन रही है। जी जी, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई प्रशासन? देखिए, अवैध निर्माणों को रोकने के लिए और जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं उनके रोकथाम के लिए हम लोगों ने क्षेत्रवार जेईओं की तैनाती कर रखी है, और उनका उनकी जिम्मेदारी है कि उस निर्माण को रोकें और उस पर कार्रवाई करें। और जो भी संज्ञान में मेरे लाए जाते हैं कि निर्माण हो रहा अवैध है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इधर चूँकि आचार संहिता लगी थी, लोगों के चुनाव में ड्यूटी थी, थोड़ा हो सकता लापरवाही हुई हो, फिर भी जो भी संज्ञान में हमारी लाई जाएगी, आप लोग जो भी बताएंगे उन पर जो हमारा नियम है उसके अनुसार सभी निर्माणों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जेईओ की मिली भगत से एक निर्माण चल रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं ये बताया जाता है कि हमारे इसमें ये हो सकता है कि लोग, हर आदमी आरोप यही लगाता है कि जेईओ की मिली भगत से हो रहा है, यही सब पे कार्रवाई करता है और जो पुलिस को चिट्ठी लिखता है उनसे भी रुकवाता है। लेकिन अगर इस तरह कोई संज्ञान में आएगा तथ्य साक्ष्य के साथ कि मिली भगत है, हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी कॉलोनी है सर, इतनी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है? नहीं नहीं, पूरी कार्रवाई हो रही है, सभी कार्रवाई हो रही है, और इन कॉलोनियों को जल्दी ही गिराया भी जाएगा, आप देखिएगा इसको। सर, निर्माण के लिए किस तरह के आदेश दिए डीएम फिलहाल में जो निर्माण चल रहा है? नहीं नहीं, निर्माण चलने के लिए हमारे पास जो हमारा अधिनियम है, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम है 1973, उसकी धारा 27 होती है, जिसमें हम निर्माण रोकने के लिए आदेश करते हैं कि आप निर्माण रोक दें और कारण बताएं क्यों ना आपका निर्माण गिरा दें। उसी के तहत हम उसको गिराने का आदेश भी करते हैं और 28 में निर्माण को सील भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमने अभी प्रोग्राम लगाए थे गिराने के लिए, लेकिन उसमें कुछ कारण रहा, पुलिस नहीं मिल पाई, नहीं गिर पाए, लेकिन आप देखेंगे अगले अब चुनाव 10 तारीख के बाद काफ़ी कॉलोनियाँ तोड़ी जाएंगे, हमने हमने उस पर ऑर्डर कर रखा है। जो अवैध कॉलोनियाँ होती हैं जी, तो अगर वो अवैध निर्माण हो चुका है उनमें, तो क्या केडीए की तरफ से वहाँ विकास नहीं किया जाए? नहीं, केडीए कोई कार्य नहीं करता अवैध कॉलोनी में, कोई कार्य नहीं, विकास नहीं, कोई भी कार्य नहीं करेगा प्राधिकरण।